एक और सवाल, अब जैसे हेयर ड्रायर भी एक टूल है, ठीक है, लेकिन क्या आपको हर दफा अपने बालों को ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, ये भी हमें बता दें भाई। इस टूल का इस्तेमाल क्या हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं, अब डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट चाहिए। अगर हम अपने बाल फ्रिजी हैं, जो है वो लुक चाहिए, अगर वैसे ही छोड़ना है तो छोड़ दो ना। हर रोज तो लुक नहीं चाहिए होगी ना, हर रोज तो आप नहा के निकले हैं। अगर अवॉइड कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं, आप घर में हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, तो नेचुरली उसको आप ड्राई होने दें, बल्कि खुले नहीं, मैं समझती हूँ उसको टाइट बांध कर हल्के से हल्के गीले उनको बंद बांध, बस यूं कोई भी क्लिप लगा लो। गीले बालों को कहते हैं मानना नहीं चाहिए। क्या कहती हैं आप? आई फील कि अगर आप ब्लो ड्राई करते भी हैं तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, लेकिन जब आप कोई भी हीट अप्लायंस यूज करते हैं तो उसके साथ साथ आपको अपने बालों की नरिशमेंट का भी ख्याल रखना है। तो दिस इज व्हेन द ऑयलिंग और द डीप कंडीशनिंग, या जैसे हम कह रहे हैं ना कि कंडीशनिंग या प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, ये और भी बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट्स आए हैं जो कि आपके बालों को दोबारा से नरिश करते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर निकल जाता है उसको दोबारा से रीइंफोर्स करते हैं। तो यूजिंग द ड्रायर और नॉट यूजिंग द ड्रायर इज अ पर्सनल चॉइस। बेहतर है कि ना हर वक्त ज्यादा हीट अप्लायंस यूज करें, ना सिर्फ ड्रायर बल्कि आयरन। ग्लो ड्रायर में जो है ना वो बालों को बिल्कुल कहने वाली थी, कोल्ड है तो आपको ड्राई करना है, से कर लो। मैं यही कहने वाली थी बेसिकली, माय आई डोंट नो हाउ पीपल थिंक अबाउट थिंग्स, बट मेरे घर का उसूल होता था, बिकॉज somehow one of the male cousin was living in our house, तो obviously बहन भाई तो नहीं थे, तो अम्मी हमेशा कहती थी कि बाथरूम से गीले बाल लेके बाहर नहीं निकलना। सो वो एक mannerism के point of view से उन्होंने सिखाया था, तो वो हमेशा कहती थी ठंडा dry मारो फिर बाहर निकलो, गीले बाल लेके घर से भी step out नहीं करते, it's a ill-mannered thing, और आप you know you don't come in front of people। आप सोचिए जो आम housewife है, खवातीन है, मैंने उनको बच्चों को स्कूल पिक करते आते वक्त या बाजार जाते हुए गीले बालों में जाते हुए देखा। है ना, ये गीले बालों में निकलना, कितनी दफा हमें ये तो चीजें पता ही नहीं। मैं कितनी दफा गीले बालों में, चलो भाई सौदा लेकर आ रही हूँ, चलो भाई बच्चे को पिक करके आ रही हूँ, मैं कितनी दफा गीले बालों में ऐसे निकल गई। मुझे छोटे से ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं और हम आपको मजीद टूल्स बताते हैं। इतनी जबरदस्त चीजें इन लोगों के पास मौजूद है जिसे आप बनाएंगे अपनी जिंदगी आसान और अपने मेकअप को भी आसान।